Today I'm going to teach you three new uses regarding it, and this is the part 4. In the first part I have defined the 7 different uses regarding it, and the second part 2 advanced grammatical structure have been defined by me, and the third part I taught you the 3 new uses regarding it. If you have not watched those videos yet, please visit to my channel English for Beginners and watch them. And I will give a link in the description box as well so that you can watch them and learn something new from those videos. In this video, I'm going to teach you 3 new uses related to it. The first one is, it's one's turn to. What is the meaning of this topic is wari hai. If you want to say like this, ki aaj toh adi padan di wari hai, then you have to use this one grammatical structure. It's means it is. This is a contraction form of it's. And once, at the place of once, you have to note down or speak the adjective, possessive adjective. Means kya? Possessive adjective use karna padega. Means jethe si kehna tuhadi wari hai, your turn, us di wari hai, his turn, kise girl di wari, her turn, meri wari hai, kise kam, tuh my turn. Then, two, then V1 plus object. Yeah, other words, book padhan di tuhadi wari hai. If you want to say, you have to say, it's your turn to read the book. Your kyun? Kyunki tuhadi de layi, your. Message karan di us di wari hai. It's his or her turn to send the message. Khana ab kaun di aaj meri wari hai. It's my turn to cook or prepare or make the food. Any verb you can use in your sentence. इस वीडियो नू शेयर लाइक अते एंड तक देखने दी तुहाडी वारी है. इट्स योर टर्न टू शेयर लाइक एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. नाउ आई एम गोइंग टू मूव द नेक्स्ट टॉपिक रिगार्डिंग इट्स. इट्स यू हु. इट्स यू हु. इट्स मीन्स इट इज. देन यू, सारे सेंटेंस विच यू नहीं लिखेंगे. अकॉर्डिंग टू अवर सेंटेंस वी चेंज द फॉर्म हेयर. मीन्स असी अपा ऑब्जेक्ट फॉर्म यदि चेंज कर देंगे, देन हु. दिस इज अ स्ट्रक्चर. इट्स यू हु, देन हेल्पिंग वर्ब, देन वी वन. मीन्स जो कोई हेल्पिंग वर्ब है तो मैंशन कर देंगे, देन वी वन ऑब्जेक्ट और नैक्सट सेंटेंस. यदा मीनिंग क्या है, तुसी ही हो जो. मीन्स जो थोड़े सेंटेंस विच इस तरह की सेंस तुसी ही हो. नाउ वी सी, तुसी ही हो जो. तुसी कहना तुसी ही हो जो. इस वीडियो नू वध तो वध देख सकते हो. इट्स यू, तुसी ले यू. इट्स यू Who can watch this video maximum? ओही है. इतने यू नहीं यूज करेंगे कि ओही ले ये गर्ल आता हर या शी जो बॉय आता. ही या हिम. ही या हिम क्यों? आई टेल यू. जो तुहाडे लई एडवांस स्ट्रक्चर वाली वीडियो कर दी है, ओही है जो साडे लई, सॉरी तुहाडे लई नहीं, साडे लई एडवांस स्ट्रक्चर्स वाली वीडियो अपलोड कर दी है. इट्स शी. बी एक फॉर्म वर्ब होंगी है, जिंदिया फॉर्म्स होंगे जिंद मीनस अगे फॉर्म्स देखिए होंगे इज एम आर. एक बी वर्ब ही है अपने मीनस ग्रामर के अगे फॉर्म्स होंगे इज एम आर वाज वर्ब, प्रेजेंट इज एम आर तो पास्ट विच वाज वर्ब. तो उन्होंने नाल हमेशा सब्जेक्ट केस यूज होंगे मीनस शी यूज होंगे इन अ फॉर्मल वे. जब इनफॉर्मल वे की गल करिए फिर आप ऑब्जेक्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं. मीनस ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस जो अपने दे सब्जेक्टिव केस है उन्होंने ऑब्जेक्टिव केस यूज कर सकते हैं. जो तुम शी यूज करना शी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज हर भी यूज कर सकते. बट जो बाकी फॉर्म्स है उन्होंने आप जस्ट ऑब्जेक्ट ही यूज करते. एक यही वर्ब है, यही सिंगल वर्ब आ इंग्लिश ग्रामर जिदे आप फॉर्मल वे जो वा सब्जेक्टिव केस यूज कर सकते हैं. जिसे गर्ल की गल है जे मीनस फॉर्मल वे ना करना तो शी, जो इनफॉर्मल वे मीन्स अपनी डेली रूटीन के अकॉर्डिंग सेंटेंस बोलना था हर यूज कर सकते हैं. इट्स शी या हर हु अपलोड्स वीडियो रिलेटेड टू एडवांस ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स फॉर अस. ओही है जो तुहाडी अज तक मदद कर रहे हैं. ओही है मीन्स जे मान लो कुछ ज्यादा पर्सन आ, यू कैन से इट्स दैम, एंड इन द फॉर्मल वे इट्स दे हु आर हेल्पिंग यू इवन टूडे. अज तक इवन टूडे. Now we see the next use regarding it, its own field. What is the meaning of this grammatical structure? अपना ही स्वाद है. मीनिंग हुंदा अपना ही स्वाद है या अपना ही मजा है या अपना ही टेस्ट है.
फर्स्ट वन की अपना आऊगा वी वन प्लस आई एन जी, वी वन प्लस जेरेंड फॉर्म आऊगी। तो जेरेंड फॉर्म जो बिगिनिंग चाहती होगी नाउन का काम कर दिया, जब सिंपली नाउन भी डायरेक्टली आ सकता कोई, मीन्स जिम्मे चाइल्डहुड आ गया इस तरह। दैन हैज आऊगा प्रेजेंट में, जब पास्ट की गल करना तो हैड प्लस इट्स ओन फील, प्लस इट्स ओन फील आएगा। दैन अपना सेंटेंस, जो कोई सेंटेंस है, अदरवाइज नहीं आएगा। मीन सेंटेंस वैसे बिगनिंग ते आ जाता था, सेंटेंस एंडिंग ते ही आता वा इट्स ओन फील। चाह पीन का अपना ही मजा है, मीन एंडिंग ते कोई सेंटेंस नहीं आता, बिगनिंग ते ही आ जाते। जिसे कहना चाह पीन का अपना ही मजा, यू कैन से टेकिंग टी, चाह पीना, टेकिंग टी हैज इट्स ओन फील। और इंस्टेड ऑफ दिस टेकिंग नाउन, मीन जिथे की आप वर्ब जो आई एन जी फॉर्म यूज होती होगी नाउन का काम करन लग जाती है। ये जगह आप टू टेक भी लिख सकते, जिमें टू टेक बोथ, मीन्स बोथ जिहड़े वे वा टू क्रिएट द सेंटेंस आर राइट। ओके, तुसीं इस सेंटेंस नूं इस तरह भी मेक कर सकते हो, टू टेक टी हैज इट्स ओन फील। प्रेजेंट जो हैज लगाउण दा पास्ट वा जिहड़ा हैड, मीह दे मौसम विच गर्मा गर्म पकौड़े खाण दा अपना ही मजा है। टेकिंग या हैविंग, हैविंग भी कह सकते हैं। पाइपिंग हॉट स्नैक्स इन रेनी सीजन हैज इट्स ओन फील, बचपन दा अपना ही मजा सी। मीनस जी अगर ये डायरेक्टली नाउन आ गया, चाइल्डहुड हैड, सी ए पास्ट की गल, चाइल्डहुड हैड इट्स ओन फील, सर्दियों में चाह पींदा अपना ही मजा है। टेकिंग टी और यू कैन से हैविंग टी ड्यूरिंग द विंटर सीजन हैज इट्स ओन फील, मॉर्निंग वॉक का अपना ही मजा सी। मान लो मैं पास्ट की गल करती हूँ कि मॉर्निंग वॉक का अपना ही मजा सी, मॉर्निंग वॉक हैड इट्स ओन फील। दीज आर अवर थ्री न्यू यूजेस रिगार्डिंग इट which you can use in your daily life. Hope so you must have understood the use of them. If you have any kind of problem or queries, you can ask me through comments. Thanks for watching my video. Please subscribe and share my channel with your friends and family. Thanks.